चाहे ताजमहल भी बेच दें, मेड इन इंडिया कर सकते हो हाँ या ना। उन्हें सिर्फ उल्टे सीधे बात करनी है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना है। हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे लोगों को मारो। इंडियन ऑयल, अब एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेच दें। पूरी दुनिया की कंपनीज चाइना में, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना, जो भी खरीदते हो, टी शर्ट खरीदो पीछे मेड इन चाइना। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की ओर, दिल्ली की ओर। आपने देखा चाइना में अभी वायरस हुआ, पूरी दुनिया की कंपनीज चाइना में, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना, जो भी खरीदते हो टी शर्ट खरीदो पीछे मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, मोबाइल फोन मेड इन चाइना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सबके सब ने अपनी कंपनियों को चाइना भेजा। और आज वही देश घबराए हुए हैं, वही कह रहे हैं कि मेड इन चाइना से पूरी दुनिया को अब खतरा है, और वो हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं, वो हमारे युवाओं की ओर देख रहे हैं, और वो हिंदुस्तान से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप चाइना का मुकाबला कर सकते हो? नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से। क्या आप जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, क्या आप मेड इन इंडिया कर सकते हो हां या ना? पूरी दुनिया हिंदुस्तान से पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी ने अच्छा नारा दिया मेड इन इंडिया का, मगर एक फैक्ट्री नहीं लगाई। इंडियन ऑयल, अब एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेच दें, पूरा का पूरा ये बेचने में लगे हुए हैं। और पूरी दुनिया कह रही है, सवाल पूछिए कि क्या हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया कर सकता है हां या ना? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया, मेड इन दिल्ली कर सकता है। और हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी ने कहा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही तरीके से मेड इन इंडिया कर दिया गया, अदानी और अंबानी वाला नहीं, मगर दिल्ली के बेरोजगार युवाओं वाला अगर मेड इन इंडिया कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल सकता है। मगर इसको नरेंद्र मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ उल्टे सीधे बात करनी है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना है और सत्ता में रहना है। पूरी दुनिया चाइना को छोड़ के, पूरी दुनिया हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। और जब वो हिंदुस्तान की ओर देखते हैं, कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें दिखता है कि हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा, बलात्कार, गुंडागर्दी, हत्या, 5 साल से जहां भी आप देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत से बात करता है। यह हमारे इतिहास नहीं, हमारी हिस्ट्री नहीं है, यह देश प्यार का देश है। आप इसको अच्छी तरह समझिए,
आप इसको अच्छी तरह समझिए, ये देश जो है ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं, ये सिख धर्म की बात करते हैं, इनको धर्म के बारे में कोई समझ नहीं है। हिंदू धर्म में, इस्लाम में, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे लोगों को मारो, दूसरे लोगों को दबाओ।